तो आज घर में चल रहा है क्लीनिंग डे। फाइनली सुशांत ने पूरा चिमनी को निकाल के उसको क्लीन करके रख दिया है और अभी उसका फिटिंग हो रहा है। मैंने दाल राइस का कुकर लगा दिया है, इसमें दूधी कोड़म भी ना वो कुकर है, बाद में ओपन करके दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने जंबो प्रॉन्स आता है ना, बड़ा वाला, नॉट एकदम जंबो वाला बट एकदम बारीक भी नहीं, वो प्रॉन्स को ला के क्लीन करके मसाला लगा के सिंगल सिंगल इसमें रवा और चावल का आटा में मिक्स करके एक एक प्लेस किया। ये देखिए ऐसा वाला था, बड़े साइज़ का आता है ना थोड़ा, वो साइज़ का, तो इसको मसाला लगा के रख दिया है। तो ये मैं फर्स्ट राउंड फ्राई कर रही हूँ ताकि गरम गरम ही परोस सकूँ। इसमें कुछ अंडा वंडा नहीं डाला है, तो मसाला अदरक लहसुन का पेस्ट, आमचूर पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी, हींग और रेगुलर मसाला डाल के इसको मैरिनेट करके रख दिया है। अब इंडिविजुअल में सब फ्राई कर रही हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। एंड सिंस मॉर्निंग आई वाज नॉट देयर इन द व्लॉग। और अभी हम लोग फाइनली जा रहे हैं सानू का शॉपिंग करने के लिए। इतने दिन से प्लान ना डिले हो रहा था कि आज जाएंगे कल जाएंगे, कल का भी प्लान डिले हो गया, नहीं जा पाए हम लोग ड्यू टू सम रीज़न। तो फाइनली टुडे वी आर गोइंग फॉर सानूज वेडिंग शॉपिंग, मतलब सुशांत का वेडिंग के लिए सानू के लिए कपड़े लेने जा रहे हैं। सानूज वेडिंग शॉपिंग के लिए तो बहुत साल बाकी है, तब तो पता नहीं कितना क्या चेंजेस हो जाएगा। इट्स 4 o'clock राइट नाउ वी आर गोइंग और देखता है सानू को क्या पसंद आएगा, और सब चीज़ उसके पसंद का ही मैं लेने वाली, बिकॉज आई नो बाद में वो सब चीज़ में प्रॉब्लम करने वाली, इसका फिटिंग ऐसा है, यहाँ से चुभ रहा है, वहाँ से चुभ रहा है, तो वॉट एवर शी लाइक आई विल बाय दैट ओनली। एंड लुक एट दिस हैंडसम बॉय, इतने दिन हैंडसम ही होते जा रहा है। हाँ और आप लोगों को लास्ट 2 दिन के व्लॉग्स बहुत पसंद आए, जितना आप लोगों को व्लॉग देखने के लिए पसंद आया ना उतना ही हम लोग ने वो 2 दिन एंजॉय किया। मतलब ताई के पास हम लोग गए दिवाली के लिए, जो हम लोग ने क्रैकर्स बर्न किया, इतना एंजॉय किया ना पूरा फैमिली टाइम। तो येस वी एंजॉयड। अभी देखते सानू का, मैंने जहाँ से कुर्ती लिया था ना पहले, मैं वो शॉप में जाने वाली हूँ क्योंकि उनके पास ना कॉटन मटेरियल में बहुत सारे टूपीज है, मतलब ड्रेसेस है जो मुझे पसंद आया, जो सानू पहनेगी शायद, तो पहले हम लोग वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। सानू का हल्दी का ड्रेस 1 go में ही फाइनल हो गया, और सेम वही जो गणपति विसर्जन का तालाब है ना उसके सामने जो मैंने आप लोगों को शॉप बताया था वहीं पे, पीछे आप लोगों को बोर्ड भी दिखाई दे रहा है जयपुर एम्पीरियल, जो मैं लास्ट टाइम भी दिखाया था, इसे मैं आज स्पेशली दिखा ही रही हूँ आप लोगों को ब्लॉग में। और सानू का ड्रेस हम लोग ने ले लिया है, ब्यूटीफुल सा ड्रेस है और सानू को पसंद भी है और दिखनी भी बहुत सुंदर है सानू से। सानू का रिसेप्शन का ड्रेस भी हो गया है फाइनल, ब्यूटीफुल सा ड्रेस, और हम लोग ने कहाँ से लिया बताऊँ, रेड एंड ब्लू क्रिएशन, यहाँ से लिया सानू का। तो वी आर बैक होम और इतना सुंदर हो गया ना सानू का शॉपिंग, सब जितने भी 3 dresses हम लोग ने उसके लिए लिए बहुत सुंदर लिया। जो ट्रेडिशनल नववारी वगैरह जो कॉन्सेप्ट करना था ना वो शॉप बंद था जहाँ से मुझे लेना था, आई थिंक दिवाली की वजह से, तो वो हम लोग ने अभी नेक्स्ट टाइम के लिए रख दिया। आज उसका 3 dress फाइनल हो गया, अब सिर्फ डिसाइड करना है कौन से टाइम पे सुबह शाम को कैसे पहनाना है। तो मैंने मम्मी को भी दिखाया, मम्मी को भी बहुत पसंद आया, और मम्मी को तो सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि सब गर्ल वाले ड्रेस ही आए, वो टी शर्ट, जीन्स, हाफ पैंट, शर्ट ऐसा कुछ नहीं। अब सानू तो बहुत बोल रही थी कि मेरे को शर्ट जैकेट लेके दे, मैं बोला आज नहीं लेके देंगे, आज शादी का हो जाने दे, बीच में कभी एक बार पहनने के लिए तुझे ऐसा, उसको ना कोट वाला टाइप चाहिए, ब्लेजर टाइप वाला चाहिए, तो वो उसके लिए एक ले लूँगी जाके, उसको बहुत इच्छा है पहनने की काका की शादी में, तो मैंने कहा हाँ वो भी हम लोग खरीदेंगे। लेकिन आज जो उसका इनफैक्ट उसका सैंडल भी मैंने ले लिया है, खुद सानू ने ही पसंद किया है और सब ड्रेसेस उसको खुद को इतना पसंद आया। अब सुशांत अपने दूसरे काम से गया है, वो खत्म करके देन ही कम बैक होम, और ऊपर आते आते नीचे डैडी हम लोग को लिफ्ट में ही मिल गया, और सेम टाइम पे डैडी उसका साइकिल का चाबी भी लेकर साथ में ही निकले थे कि अगर कहीं बाई चांस मुझे नीचे मिल गई सानू तो उसको साइकिल चलाने लेके जाऊंगा। तो सामने ही सानू लिफ्ट के पास मिल गई और वो मेरे को बाय बाय करके डैडी के साथ चली गई। और अभी मम्मी यहाँ पे अपना सीरियल देख रही है और यहाँ पे मम्मा भाजी साफ कर रही है। अभी मम्मी की तबीयत बहुत बेटर है इसलिए थोड़ा बैक पेन हो गया था, नाउ शी इज फाइन। तो कल का भी, सैटरडे का लाइव का भी मुझे तैयारी करना है, और अभी मैं सच में बताऊँ ना मेरे को अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं ज्वेलरी के ऊपर ध्यान दे सकूँ, क्योंकि अभी ये लास्ट फाइनल फ्यू डेज है। आई नो आप में से बहुत सारे जन कितने दिन से मुझे पूछ रहे, इशिता शादी का डेट बता दे, शादी का डेट बता दे कब है, बट शादी का डेट बताने के लिए अभी भी थोड़ा सा दिन बचा है। अभी आप प्लानिंग, मतलब हम लोग ने एक पर्टिकुलर डेट फिक्स किया है कि ये डेट के दिन ही हम लोग वो रिवील करेंगे कि उसका शादी का डेट क्या है, तो थोड़ा ही वेट करना है, आप लोग को ज़्यादा वेट नहीं करना है, बस आ ही रहा है, पास में ही है, इन फ्यू कमिंग डेज आ ही जाएगा कि हम लोग शादी का डेट आप लोग को बता देंगे, लेकिन टाइम आने पे बताएंगे। और मैं क्या बोल रही थी मम्मा, हाँ इमिटेशन ज्वेलरी पे मुझे बिल्कुल भी ध्यान देने नहीं मिल रहा है। अभी भी मैंने दिवाली का जो पूरा पसारा निकाल के रखा था ना, धीरे धीरे करके मैं उसको वाइंड अप करूँ। आज सुबह मैंने किड्स रूम साफ किया, इतना मेस्ड अप हो चुका था, सब दिवाली का गिफ्ट, मिठाई, क्रैकर्स,
ड्रेसेस जो भी आ रहा था सब वही रूम में जा रहा था। मेरा ज्वेलरी का बबल रैप का इतना बड़ा पैकेट, फिर इतना सारा पैकिंग का जो कचरा निकलता है ना उसका एक बड़ा थैली बन गया था रैपिंग का, वो सब निकाल के मैंने आज थोड़ा सा किड्स रूम को साफ किया। अब बोलने के लिए किड्स रूम होता लेकिन वो हो गया पूरा मेरा ज्वेलरी रूम। मम्मी भी मेरे भाई को बोल रही थी अभी वो किड्स रूम नहीं रहा, वो अभी इसी तरह का पूरा ज्वेलरी रूम हो गया क्योंकि पूरा वार्डरोब दोनों साइड भर गया अभी। और ये अभी फॉर कमिंग 2 मंथ्स आई थिंक सो मैं ज्वेलरी पे थोड़ा सा कम फोकस करने वाली हूँ क्योंकि ज़्यादा बर्डन लेके कोई मतलब नहीं है, उतना मैं उसको टाइम नहीं। इनफैक्ट सैटरडे का लाइव भी अभी मैं जो मेरे पास, मैंने इसके लिए ना पहले से 6 महीने पहले से स्टॉक बैकअप करके रखा था क्योंकि मुझे पता था शादी का जैसे जैसे दिन नज़दीक आएगा मुझे शॉपिंग करने जाने मिलने ही वाला नहीं है ज्वेलरी का, क्योंकि उसमें पूरा दिन जाता है। सुबह मैं निकलूँ 9-10 बजे तो शाम के 6-7 बज जाता है मुझे रिटर्न आने, और अभी मैं उतना टाइम शॉपिंग में दे नहीं सकती ज्वेलरी का, तो मैंने स्टॉक बैकअप करके रख दिया, सारे वेंडर्स को एड्रेस दे के रख दिया, कुछ भी मुझे इमरजेंसी में लगता है मैं सीधा ऑर्डर कर देती हूँ, जो डिलीवरी चार्जेस लगता है वो देके घर पे कुरियर पार्सल मंगा देती हूँ, दूसरे दिन आ जाता है क्योंकि सब मुंबई का ही है ना, तो एक आज डिस्पैच करेंगे तो कल शाम तक मुझे मिल जाता है। तो ऐसा सब मैंने ना सेटिंग करके रखा है सो दैट शादी का भी पूरा तैयारी अच्छे से जा सके, स्मूथली प्रोसेस हो सके, और मेरा ज्वेलरी भी धीरे धीरे, ज़्यादा बर्डन नहीं, धीरे धीरे जो भी चल रहा है वो भी हो सके। लेकिन जितना जहाँ तक हो सकेगा मैं सैटरडे लाइव करूँगी, जब मुझे ऐसे लगेगा ना नहीं अब बहुत पास में आ गया शादी लाइव नहीं हो पा रहा है तो शायद नहीं करूँगी, बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, घर पे कितने मेहमान आ जाते हैं उस वक्त का सिचुएशन कैसा था ना मां, उस पे सब डिपेंड है। तो वो तो जैसे जैसे, हाँ क्योंकि मेहमान आ जाएंगे फिर खाना तैयारी हल्दी वाली मेहंदी वाली 5-6 दिन के लिए हम लोगों को बाहर से खाना मंगाना है तो उसका मेनू डिसाइड करना है, बहुत कुछ है। मतलब मैं ब्लॉग में नहीं बोल रही हूँ, नहीं दिखा रही हूँ, बट देर इज़ सो मेनी थिंग, छोटा थिंग, उसका हल्दी के दिन का रसम, उसके बाद नवग्रह होगा उसका, शाम का हल्दी का डीजे है, दूसरे दिन फिर ब्रेक है, तीसरे दिन शादी, शादी का तैयारी, फिर वहाँ से घर पे आने के बाद सारे रिचुअल्स, फिर सेकेंड डे का रिचुअल, फिर पूजा होगा सत्यनारायण पूजा, उसके बाद तिखट वाला होगा, माई गॉड देर आर सो मेनी थिंग। और मेरा और मम्मी का दोनों का साड़ी प्लस ज्वेलरी हम लोग को सब सेट करना पड़ेगा 1 हफ्ते पहले, जब मेहमान घुसे उसके पहले मेरे सारे साड़ी को रख के उसके ऊपर क्या ज्वेलरी पहनना है, मम्मी के सारे साड़ी रख के उस पर क्या ज्वेलरी पहनना है, क्या हेयर स्टाइल करना है, वो सब हम लोग को डिसाइड करना है। तो बहुत कुछ ऐसा बोलते ना शादी का घर जैसा बोलते ना, लिटरली अभी हम लोग का ऐसा हालत हो गया है, दिन रात अभी वही 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 चल रहा है, एंड डेज आर कमिंग वेरी शॉर्ट क्योंकि शादी अभी नज़दीक ही है, डेट मैं आप लोगों को बता दूंगी थोड़े दिन में ही बता दूंगी। तो अभी मैं घर पे आई हूँ, हाथ पैर धो के दिया बत्ती कर लेती हूँ, और मेरा उपवास है, मुझे उपवास के लिए थोड़ा सा खिचड़ी बनाना है, तो खिचड़ी के साथ आज खिचड़ी और काकड़ी टमाटर का सैलेड बना के आई, ओपन माई फास्ट, और अभी मैं दिया बत्ती करके आगे कंटिन्यू करती हूँ। अब पता नहीं आगे ब्लॉग इससे कितना कंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि अभी सानू भी आएगी, फिर उसको भी भूख लगा हुआ है ना, उसको फ्रेश कराना है, उसका ट्यूशन का होमवर्क भी है क्योंकि उसका पढ़ाई वो सब भी सब साथ में, उसका फिर एग्जाम भी आने वाला है। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज दिस, बट हो जाएगा, मम्मी है सब बताने के लिए कैसे क्या 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 करना है, जैसे मम्मी बोलते जा रही है ना मां, तसा तसा आम्ही करतो है ना, आम्ही सांगू तसे करते आहे, आमचं आधार पण आलेलं आहे त्यामुळे तिचे अंगावर पडले सगळं, करते हळूहळू सगळं। अभी मावशी लोग भी आ जाएंगे ना, तो फिर हाँ तो फिर इतना काकी आ जाएगी, मावशी आ जाएगी, शायद मेरी मम्मी भी आएगी, तो फिर इतना हेल्पिंग हैंड के लिए हो जाएंगे, तो इतना कोई टेंशन नहीं है। और आप लोग बोल रहे थे हेल्पिंग हैंड के लिए किसी को रख, तो दैट ऑल्सो इज इन प्रोसेस, वो जब फाइनल हो जाएगा तो वो भी मैं आप लोग को बता दूंगी। तो एनीवेज अभी मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ और आप लोग को बाद में मिलती हूँ। आज ना मैंने एकदम डिफरेंट स्टाइल वाला पुलाव बना दिया, एकदम मसाले वाला, जो मेरे पास बिरयानी मसाला था वो, और तीखा वाला मिर्ची पाउडर, कलर वाला हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर सब मिक्स करके डाल दिया है। कांदे को भी ना लंबा लंबा बिरयानी के लिए काटते ना वैसे कट करके डाला, अदरक लहसुन डाला, अच्छे से फ्राई करके लिया, टमाटो डाला, सब मसाला डाला, बटाटा डाला, राइस बिरयानी राइस डाल दिया, ये पुला लंबा वाला बासमती, और बस एक सीटी के पहले उसको बंद कर दिया। इतना टेस्टी, खुशबू तो बहुत टेस्टी आ रहा है, एंड आई एम श्योर इसका खाने के बाद टेस्ट भी वैसा लाजवाब आने वाला है। फाइनली दिस डे ऑल्सो कम्स टू एन एंड, और ये देखो इन दोनों का जो थोड़ा सा बच गया था हम लोग ताई के पास लेके गए थे वहां से, तो अभी फाइनली हम लोग के बालकनी में वापस दिया लगा दिया है, और मम्मी और सानू बाय बाय गुड नाइट बोल, अभी सानू बिजी है, बोलो दाखो ऐसे ग्रीन कलर, गुड नाइट।
हाँ ग्रीन कलर का है, उसमें से ग्रीन ग्रीन कलर दिख रहा है। अत्तू ने दिया है, बोल दिन दिन दिवाली आई कशी बोलते डरपो गया अर्धवट गेला आईच। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन टुमॉरोज व्लॉग, गुड नाइट।